प्रजापति। की तरह यह दृश्य ठहर गया है मेरे आसपास। जितनी बार मैं धरती को देखता हूं, लगता है मटमैले पानी में कुछ बादल भटक गए हैं। मटमैले अक्ष की तरह मेरा चेहरा उनसे मिलता है। कुंवर में तालाबों का पानी साफ होता है और मैं उसमें खुद को देखता हूं, पानी के लिए हाथ बढ़ाए झुका हुआ। आसमान में एक दूसरे में से निकलते बादल कहीं तैरते जाते हैं, किसी ऊंचाई से टकराने, आपस में गुथे हुए। नीचे अंधेरा है, उमस है, कहीं पानी गिरने का अंदेशा है। ऊंचाइयां लगातार भींग रही हैं। कुंवर में पानी साफ होता है तुम्हारी आंखों की तरह, और हम उसमें पूरे के पूरे दिख जाते हैं उतरते हुए। आहिस्ता आहिस्ता बादल फट रहे हैं। मैं तुम्हें देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं धरती की तरह, जो पानी का घर है। दूसरी लोरी सी सबसे एड्स रोगी बच्चे के लिए लोरी। चाबी खत्म हुए खिलौने की तरह तुम आ गए दुनिया में। तुम्हें जन्म दिया मृत्यु ने और उसी के रक्त से जगी दिए में लो। मृत्यु ने रचे तुम्हारे सपने, तुम्हारी आंखों से मृत्यु ही झांकती रही, देखती रही गुलदस्ते, पढ़ती रही शुभकामनाएं। सपनों को तापते किस ट्रेन की प्रतीक्षा में तुम जाग रहे हो, सारी रात सुनते रहते हो गिरजे के घंटे, कारखानों के भौभू और पहरेदारों की सीटियां। नचिकेता की तरह तुम्हें किसकी प्रतीक्षा है द्वार पर, तुम्हारी आंखें क्या देखती रहती हैं दिन रात, हवा में, धूप में और रात की निस्तब्धता में। एक बेल खिड़की के शीशे पर चढ़ रही है और झांक रहे हैं फूल। सामने पेड़ पर चिड़िया बना रही है घोंसला। दूर पहाड़ पर धुंधला अक्ष ठहर गया है स्मृति की तरह। तुम्हारे भीतर हर रोज मरते हैं फूल और तितलियां, तुम्हारे भीतर रोज कटती हैं पतंगें, टपकती हैं चिड़ियां, तुम्हारे भीतर उड़ती है राख उच्छल तारे की तरह। डूबते जहाज पर तुम बिल्कुल अकेले हो, ऐसे में तुम्हें लौटना चाहिए अपने भीतर, सब कुछ समेट कर अपने ही शून्य में खुद को विसर्जित करते हुए, देखते हुए उस अतृप्त काल को जो जीने की इच्छा में घुन की तरह खा रहा है देह। तुम्हें याद करना चाहिए गोधूली और लौटती चिड़ियां, सबसे ठंडी हवा का झोंका तुम्हें याद करना चाहिए, दिए के मध्यम प्रकाश में कोई लोरी एक पालना पेंडुलम की तरह ध्यान में लाना चाहिए। अपनी उनींदी पलकों पर नींद का आह्वान करना चाहिए, ख्याल उन फूलों की खुशबू का जो खिलते हैं रात में, इन सब के ख्याल में
बारिश की हल्की झड़ी याद करना चाहिए। सो जा अपनी ही कल्पना की सृष्टि में, कुतरती मौत से बेखबर उसी की लोरी के दिलासे में। सो जा, सो जा कि उछली हुई गेंद अब नहीं लौटेगी मैदान पर। सो जा कि पहाड़ की छाती से सटकर सो गई है रात, और मैदान में छूट गए हैं उसके पैरहन। सो जा कि लोगों के भय का तू बन चुका है दर्पण। सो जा समझकर खुद को मौसम का फूल। सो जा टूटी किरणों के घोंसले में। सो जा उस विशाल पालदार नाव में, हवा जिसका गंतव्य जानती है। एक कविता है, लोकतंत्र में अन्न बांटने का तरीका क्या होना चाहिए। लोकतंत्र में जिनका श्रम अन्न की कीमत के मुकाबले सस्ता है, लोकतंत्र में जिनका श्रम अन्न की कीमत के मुकाबले सस्ता है, उन्हें अन्न कैसे मिले जिस तरह चींटियों और पक्षियों को मिलता है। चींटियां अपने श्रम से प्रकृति में कुछ जोड़ती हैं, गाते हैं पक्षी सुबह शाम, जैसे वे अपना श्रम लेकर जाते हैं अन्न तक और पाते हैं अपना हिस्सा। कभी कभी तो उन्हें मुंह या चोंच के पास ही वह मुहैया हो जाता है। यह कथाओं में नहीं, हकीकत है सबके सामने। तो गरीबों को अन्न कैसे मिले, इसका जिम्मा लिया है सरकार ने, जो फसल आने पर तय करती है अन्न का दाम। जिनका श्रम उसे खरीद नहीं पाता, उनके लिए किसानों से कुछ हिस्सा मांगती है, अन्य व्यापारियों से नहीं। कपड़ा तेल साबुन बनाने वालों से नहीं मांगती गरीबों का हिस्सा, और ना ही भूपतियों से जमीन में गरीबों का हिस्सा। जो अन्न जमा होता है गोदामों में, बाहर आने पर वह ठीक वैसा नहीं होता जैसा था जमा करते वक्त। तब वह घुना पानी खाया कंकड़ पत्थर एवं भूसा युक्त अन्न होता है, जिसे हासिल करना उतना आसान नहीं जिस तरह वह जमा होता है। कितने प्रमाण जुटाने पर, जिसमें एक घर भी जरूरी है, कितने श्रम दिवसों की कीमत पर बनता है राशन कार्ड, फिर प्रति व्यक्ति नाकाफी मात्रा के लिए लोग कतारों में गंवाते हैं अनेक श्रम दिवस। उस अन्न में कितनी कैलोरी होती होगी इसके आंकड़े सरकार के पास नहीं है। जिनकी गरज हो वे कतार में पूरी रकम लेकर आए, आखिर किसके भरोसे अन्न घर घर पहुंचाएं। जो श्रम के योग्य नहीं बेबस कंगाल हैं, उनका अन्न पर हक तो लोकतंत्र में लिखा नहीं। कबीर साहब की 600वीं जयंती, महोत्सव मचा है, उमड़ी है भीड़ कबीर पंथियों की, अगल बगल के जनपदों से, दूर दराज से भी, बिहार मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान तक से आए हैं जन। मलिन धवलता लपेटे देह पर और समेटे निर्मल मन। यह मलिन धवलता इसलिए कि कबीर पंथी जो होते हैं वे सफेद वस्त्र ही पहनते हैं। बनारस आज कबीर की नगरी और कबीर चौरा केंद्र बिंदु बनारस का। कबीर चौरा मठ मूल गादी में गद्दी पर विराजे हैं महंत। साहेब साहेब कहते बंदगी करते जनों को असीसते अविराम। आंगन मंडप में एक तारा गूंजता खंजड़ी पर पड़ती थाप। भजन मंडली का कंठस्वर मन को छूने से पहले आकाश छूता है। सरल स्वभाव बटुरे जन बटोरते थकते हैं सुगम कहन के अगम भाव। पुरुषों की आंखों में झलकती है थकान,
अबुझ लेकिन स्त्रियों की आंखों में उत्कंठा, अबुझ लेकिन उनसे लगे जेठ जरे बच्चों का हर्ष, जो तितलियों की तरह मंडराता है कंठी माला चंदन रोली की उन एक दिनी दुकानों के गिर्द, जो सजकर आज रच रही हैं एक मेला सा कि शुरू हो जाती है भंडारे की चहल पहल, पंगत सजने लगती है, कोई उकड़ू कोई पालथी मारे, कोई मन ही मन लेता चटखारे, कोई बगल गीर को कहता कनखियों से पत्तल को तकता, क्या खूब बोले राज्यपाल मन निहाल, हमें और क्या चाहिए बस सदगुरु की कृपा और दलितन में एका। उसकी बात काट कहती एक उजली दाही, अरे अनाई क्या राज्यपाल क्या मुख्यमंत्री, सब अपने स्वार्थों के संतरी, सत्ता की भूख में कबीर साहब का कलेवा है, आज के बाद कौन नाम लेवा है। सुना नहीं विचार गोष्ठी में बढ़ चढ़कर जो बोल रहे थे, नामी प्रोफेसर कहीं के गरूर में डोल रहे थे, ज्ञान भूकते थे अभिमान थूकते थे, रह रह विदेश यात्रा की कहानी, अहंकार की मात्रा न जाए बखानी, किसी ने बताया बड़ा सा मकान बनवाया है, फर्श पर मकराने का संगमरमर लगवाया है, उनके लिए सब कबीर की माया है, हमको हमेशा धूप उनको हर वक्त छाया है। सामने की कतार से एक बाबा इधर ही कान दिए थे, वहीं से बोले, सही बोले भगत, जटिल है जगत, माया का बंधन है बंधन यह भीषण है, आखिन देखी बोले तो क्रोध पिटारा खोले वो, तुम ही कहो जो मोटर चढ़ घूमे बरियार और बड़कन बीच झूमे, उनको कहां दिखेगी राह की चींटी, उनको शर्करा थू थू निबौली मीठी, संत महंत जो भी होए देख उन्हें सदगुरु रोए, कौन कहे नई विप्रमती सी कि भिजे उनकी खिली बत्ती सी, यह सब देख सुन लिए मन आधा खिला आधा मुरझाया, चल पड़े हम पीठ दे मूल दादी के महोत्सव को, नगर से बहिराती सड़क पर लहर तारा की ओर, जहां आज से 600 साल पहले जो नवजात क्रंदन गूंजा था आज भी वह भर रहा है मन दिशाओं को, जहां जहां उन्मत्त अट्टहासों के बीच अवकाश वहां करुणा की कोपल खिलाता, लहर तारा गंगा का गुप्त संगी, कभी नीलों फैले निर्मल सरोवर का जलावशेष, अब एक बड़ी सी गंदी गढ़ी जिसकी जर्जर देह में जलात्मा सड़ रही, मल त्याग से फारिग हो जहां दो चार लोग सोच रहे थे और किनारे खड़े हम सोच रहे थे सोच रहे थे, परित्यक्त सत्य से बालक को आज मिलेगा भी नीरू नीमा सा पालक कोई, कि मिलेंगे शिशु का अंग भंग कर गली गली भीख मंगाने वाले, हाथों को करघा नहीं कटोरा पकड़ाने वाले, कबीरा खड़ा बाजार में होगा और ही भांति, या फिर करघा हुआ तो होगा अनुलंघ्य राई फलों से रक्षित, अलंघ्य चार दीवारी के भीतर भदोही हंडिया मिर्जापुर के किसी धन लोलुप कालीन कारखाने में, बंधुआ बाल मजूरों का पीने वाला खून, एक करघा जिसके अगौ हैं गांठ लगाने में कुशल नान उंगलियों की लहू लुहान गांठों के घावों में, दवा की जगह दवा की तरह भरी जाती है माचिस तीलियों की बारूद, फिर भी यदि विकस ही आए जिद्दी कबीर तो पगलाएगा, अपनी उलट बांसियों में आप अझुराएगा, उसकी साखी कागद की लेखी होगी, पाड़े की पनिताई और शेख की शेखी होगी, विख्यात व्याख्याता शब्द पगुराएंगे, पाप गायक रमैनी गाएंगे, होठ सिए वह एक मूरत होगा, कला पारखियों की निगाहों में खूबसूरत होगा।
कि एक फटकारती सी कबीरी आवाज गूंजी भीतर, बस कर ऊर्ण नाभ बस कर, देख बाहर चांदनी खिली है, तेरा अंधेरा दिली है। देखा जेठ की पूनों का चंदा, जाने कब चढ़ाया था ऊंचा, लहर पारा का मटियाला ताल स्वर्णाभ हुआ था, एक अनोखे वैभव ने चिरदैन्य को आज छुआ था, कि गई निगाह माटी में दिप रहा एक आलोक कण था, नन्ना सा प्राण प्रकाश शुभ्र निष्कंप, एक रह संकेत जीवन के पथहारों को झुक कर देखा, वह एक नन्हा सा रेंगता लजालू कीड़ा पिल्लू सरीखा, पता नहीं उसका क्या नाम, जलते बुझते जुगनू को लजाने वाला उसका फास्फोरसी प्रकाश, अभिराम अविराम, हमें देखते देख मिट्टी में मिल सा जाता हुआ, उसकी मटियाली काया का निर्भिमान आत्म प्रकाश हमें बंधाता हुआ आस। छोटी सी कविता सुनिए, शीर्षक इसका वे ही। लाइब्रेरी में किसी भी किताब को उसकी पुश्त से पहचान लेते हैं वे, कि जैसे पुश्तों की पहचान हो, उसकी पाद टिप्पणियों समेत याद रखते हैं वे एक किताब को। वे ही पहचानते नहीं उस रिक्शावान को जो दिन में दूसरी बार उन्हें ढोता है यहां से वहां, क्योंकि वे नहीं देखते कभी पैडल चाँपते उसके पांव, कुछ पढ़ने की अभ्यस्त उनकी आंखें, तब सड़क किनारे की दुकानों के ललाट लेख पढ़ती हैं उनके शीर्षक साइन बोर्ड। वे ही जब शहर की सड़कों पर एक आर्तनाद का पीछा करता गुजरता होता है आतताइयों का नंगा अट्टहास, और पर्दा नशीन खिड़कियों वाली अट्टालिकाएं फेरे होती हैं आंखें, तब वे ही चुप रहते हैं लाइब्रेरी की तरह चुप। दशाश्वमेध पर की रुक्मिणिया, आप जानते हैं कि गंगा के किनारे दशाश्वमेध घाट है बनारस में, दशाश्वमेध पर की रुक्मिणिया ये शीर्षक है, शुरू कर रहा हूं। उसका नाम है रुक्मिणिया, चाहे वह खुद कम बोलती हो जो गूंजता जाता है, एक नाम रुक्मिणिया घाट की सीढ़ियों को आंगन बनाने वाली उनके सिरहाने की एक झोपड़ जिंदगी की चौखट पर खड़े होकर उसकी राह हेरते टेरते हैं उसके बुढ़ऊ दादा, एक पुकार सीढ़ियों पर लाठी टेकती नहीं हवा में लाठी दिखाती, आकाश की ओर सीढ़ियां उतरती है जब तक। उसका नाम है रुक्मिणिया, जानते हैं दशाश्वमेध के बाशिंदे और परिंदे, मैं भी जान गया हूं वो कभी कभी ही आता हूं, दशाश्वमेध घाट की गोद में इस प्रयाग घाट नामधारी मंदिर बुर्जी पर, जहां से दृश्य विहंगम घाट मढ़े इस पार वाली गंगा का वंकिम पसार, सामने हरी कोर वाला उस पार का क्षितिज, हम बैठे ही थे मैं और मेरे मित्र ऊपर के उस चौतरे पर, जाकर जभी सामने गंगा में एक सूस उछली, यह सूस डांगे डॉल्फिन मछली है, हम बैठे ही थे मैं और मेरे मित्र ऊपर के उस चौतरे पर, जाकर जभी सामने गंगा में एक सूस उछली, बीतते शिशिर की धूप सेकती निठल्ली नौकाओं के आगे ही, आंखों में आनंद अचरज की तरह आंज गई सूस की उछाल मांसल वलयाकार, तभी एक और सूस उछली बगल ही, यह उछाल तो अद्भुत, और किसको मन कहता है अभूतपूर्व इस जिज्ञासा से बंधे हम, हुलस हुलस उठते देखते उछाल दर उछाल, मानो निर्णायक ही बना दिए गए सुसवंशीय उनकी कौटुंबिक उछाल प्रतियोगिता के, आंखते ही नहीं आंकते भी उछाल दर उछाल। हमारे पीछे शहर में बाजार भाव उछल रहे थे जरूरी चीजों के, प्याज की देह गंध की याद आंखों में झांस की तरह लगती थी और वे डबडबाना चाहती थी, चिरपरिचित आलू थालियों के लिए आकाश कुसुम हो रहे थे, दाल के चूरने की सुगंध खो गई थी पटलोई से और कटोरियां उदास थी आकाश से भरे अधिकतर घरों में, जबकि गैर जरूरी चीजों के दाम गिर रहे थे, एक मोटर कंपनी ने एक झटके में गिरा दी थी अपने प्रचलित मॉडल की कीमत,
और दफ्तरों के गलियारे इसकी धमक से गूंज रहे थे। ऋण देने को आगे आ रहे थे बैंक, और सभ्यता किसी की ऋणी नहीं रह गई थी। लुढ़कते बच्चे नहीं दिखते थे जिंदगी की सीढ़ियों पर। बच्चे घरेलू नौकर बनते बड़घर, बंधुआ मजूर बनते ईंट भट्ठों और कालीन कारखानों में। शेरों के लुढ़कने पर टिकी थी निगाह जमाने की, जिसके दिल में केवल बाजार भाव बचा था, वह भाव जो वित्त से संबंधित है, और वह भाव नहीं कतई जो चित्त से संबंधित है। उस जमाने को पीठ दे, हम गिन रहे थे सूस उछाले, आकार लेती एक साथ ठोस तरल वायवीय सामने गंगा में। कनखियों से बिन देखे दिखता रुक्मिणिया, पलटती सुखाती जा रही धूप में। मंदिर बारजे की रेलिंग पर यहां वहां फैलाए कपड़े, सलवार समीज कुर्ती चुन्नी तो कब की सूख गई। तहियाई रखी एक बगल चौतरे पर, चपत कर चौथाई हुए एक दो मटियाले रूमालों के ऊपर करीने से, कि तभी सुन पड़ा चौतरे पर दूसरे छोर सटे बैठे दो नवयुवकों की खुसर पुसर से उबरा उछला तेल चुपड़ा एक संबोधन रुक्मिणिया और कोई पृच्छा, जिसमें ध्वनित दांत पजाती पाशव इच्छा फिर फिर बहके बहके स्वर से उच्चरित एक बहकावा दुष्चरित्र। कि सुर पड़ी एक तीखी आवाज रुक्मिणिया की, बेर बेर एक के बाद, अरे तुम्हें क्या, हम कब आवे जावे, बुरी नजर वाली आंख हम फोड़े सूए से। और तनिक मुलायम आवाज में एक और सवाल हमसे, भैया जी समय क्या हुआ है। समझा मैं यह समर्थन का समय है। मन में मैंने भले कहा, मेरी बच्ची मैं तो समय खो चुका हूं अपना। सचिवालय के क्लॉक टावर की बड़ी घड़ी की दोनों बाहों से छूटते ही मेरी कलाई से झड़ गिरी है घड़ी। जानता फिर हूं कलाई घड़ियों में अब भी उगता है समय। मैं समय खो चुका हूं अपना, कि समय ने मुझे खो दिया है। लेकिन मैं प्रकटता बोला, मेरे मित्र बताएंगे समय। ठीक ठीक, समय उनकी कलाई घड़ी की मुट्ठी में है बंद, आज का समय, अभी का समय। वह जो भी समय था सही समय था, बोल उठने का समय सही समय होता है सदा। सूखे अधसूखे कपड़े समेट चली गई थी रुक्मिणिया, और उसकी परछाई की तरह गायब हो गए थे माथ से माथ जोड़े चौतरे पर एक कोने बैठे रंगीन मिजाज नौजवान दोनों, जिनकी थोड़ी सी चित्त काली मां वहां चुई पड़ी थी अदृश्य। थोड़ी देर वहां समय का तीखा एहसास बचा था, तत्कालीन ही नहीं समकालीन समय का तीखा एहसास। उस तनिक ऊंची बुर्जी पर बैठे हमारे पास सांझ में संवलाता हुआ, और सोच रहा था मैं, दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों के ऊपर ही है निकट भंजनी देवी का ठीहा, बंदी देवी जो मशहूर, जिनकी कृपा से बंधन कटते कारा से मिलता मोक्ष। सुजन नहीं सुजान होते हैं वे बंदी, अदालत में चल रही जमानत की सुनवाई के वक्त जो यहाँ जलवाए रखते हैं अखंड घी का चौमुख दिया, कि दर्पे देवी निकट भंजनी, जय हो बंदी देवी की मुक्ति की जय हो, हथकड़ी बेड़ी का क्षय हो। निकट भंजनी देवी का एक गर्म दिल कृपा कटाक्ष, और मुंसिफ की कलम करुणा से मोम सी पिघलती है, फैसला बंदी के हक में होता है। पड़ोसिन है रुक्मिणिया की वे निकट भंजनी देवी, और सांकल उसके पांवों में बोलती है गिलट की पायलों के घुंघरुओं की रुनझुन में। सांकल जिसे उच्छल सूस उछालें जैसे कि सांझ की शेष रोशनी उलीच कर और भी दिखा जाती है। धन्यवाद। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। पढ़ाता क्या हूँ, पहाड़ से लटकता हूँ और इमली के छायादार पेड़ में घूमता हूँ। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, पढ़ाता क्या हूँ, हवा से प्रेम करता हूँ और लाल घाटी के ऊपर आकाश में बिखर जाता हूँ। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, पढ़ाता क्या हूँ, तालाब के पानी में घुसता हूँ और मछलियों से कविताएं सुनता हूँ। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, अब प्रिंसिपल को क्या मालूम कि हिंदी क्या है और कैसे पढ़ाई जाती है। वे समझते हैं कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ।
वह जो दूर दिल्ली है और दिल्ली से जरा परे वह जो पहाड़ हिमालय और इसमें भी जरा बीच में वह एक नदी और नदी के ऊपर वह जो थोड़ा आकाश है और उस थोड़े से आकाश में भी वह जो एक बादल है उजला सा और उस बादल के उजले में भी वह जो एक लोक है, मैं मिलूंगा तुम्हें वहीं मिलूंगा, मैं जब भी आऊंगा और जिस भी ट्रेन से आऊंगा तुम्हें कर दूंगा खबर, फिलहाल मैं खुश हूं दिल्ली से दूर यहां इस गली मोहल्ले में इस लोक में। अगर बचा जा सकता है तो तुम्हें बचना चाहिए ऐसी और इन हवाओं से, ऐसी और इन हवाओं से, फाइलों और फोनों से, अफसरों और दफ्तरों से, खोहों और गूंजती आवाजों से। अगर बचा जा सकता है तो तुम्हें बचना चाहिए किसी एक कविता की पंक्ति के सहारे सहारे, सहारे सहारे किसी एक कविता की पंक्ति के, तुम्हें चले जाना चाहिए घर जहां अपनी पत्नी और बच्चों के पास वे तुम्हारी राह देख रहे होंगे, तुम्हारे आकाश में बने घोंसले में गुंजाते हुए आसपास। मैं जो सोचता हूं वह एक ऑटो रिक्शा है, सफेद कनेर का एक फूल है, धतूरे का एक बीज है, अकौए का एक पौधा है, कॉलेज में भाषा का चौथा पीरियड है, एक नदी है छोटी कलकल करती, बेटी की एक किताब गणित की, इमली का एक छायादार पेड़, 20 वर्ष पूर्व की एक सहपाठी लड़की, उसका एक रूमाल, रूमाल के कोने में कढ़ा फॉरगेट मी नॉट, रूमाल बरसों से रहा मेरे पास, उसकी गंध आज तक मैं महसूस करता हूँ। एक दो दोस्त है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में, मैं सोचता हूँ अब वह तो एक क्लिंटन है और एक चीन के प्रधानमंत्री है और एक युगांडा का राष्ट्राध्यक्ष भी और एक वह भूत जो इमली के पेड़ में रहता है, इन्हीं की वजह से आजकल मैं सोचता नहीं हूँ, वरना दिल्ली की क्या बिसात और भोपाल की भी, दिल्ली और भोपाल के बारे में सोचना मेरे बाएं हाथ का खेल। अंतिम कविता, नीम एक कविता है और निमोली खोज रहा है आलोचक आषाढ़ से प्रथम दिन से। धन्यवाद। तथे दा परिवार